अस्सलाम वालेकुम, आप सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो। आज पहली जनवरी है 2024। नई उमंग, नई तरंग, नई उमंग, नई तरंग के साथ आप लोगों ने साल का आगाज किया है और मार्केट ने भी मुस्बत अंदाज में आपका जवाब दिया है। मार्केट आज 2210 पॉइंट पॉजिटिव थी और उसकी वजह से इंडेक्स आपका 64,661 पे पहुंच गया है। उसके साथ में 12 जमादुल्ला आखिर है और 17 पो है। और आज हम आपके लिए मुजम्मल भाई की ख़ास फरमाइश पे कोहिनूर एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं कोहिनूर एनर्जी, इसको हम अब बहुत ही अब ना इसको इसका क्या कहते हैं तनकीदी ज़्यादा लेते हैं। जी जनाब, आपकी हाजिर खिदमत में कोहिनूर एनर्जी है। 39.86 आज ये बंद हुआ है, 61 पैसे प्लस थी। हमने लास्ट टाइम इसको किया था 17 नवंबर 2023 को। मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगता है कि बहुत ही पुरजोर इसरार पे आप बनवाते हैं, मगर आज इसका रेट जो है वो ज़रा कम है। आज इसका रेट जो है वो 39.86 है। इसके मतलब ये 3 महीने पहले 42.05 था। तो इसके रेट गिरने की वजूहत बता देते हैं थोड़ी देर में, मगर हम इसको देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना था। वॉल्यूम इसका जी 89,000 था, उससे फ्लक्चुएशन मिलती नहीं है, तो लिहाजा हम आप अप डाउन नहीं बताते। अब हम आते हैं रीज़न इसके गिरने का। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट इन्होंने क्या कहते हैं क्वार्टर था 30 सितंबर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया और उसकी वजह से इन्होंने डिविडेंड स्किप किया। मगर इनका अर्निंग पर शेयर जो है वो स्ट्रांग हुआ है, 3.40 रुपीज़। और अब इसके हम पुराने पे आउट्स में जाते हैं, इनका पुराने पे आउट्स आपको देख के बताते हैं। इनके पुराने पे आउट्स में माशाल्लाह इन्होंने 40% इंटरम डिविडेंड दिया, फिर इन्होंने 55% सेकंड डिविडेंड दिया। इसके मतलब अभी तक इन्होंने आपको 95% डिविडेंड दिया, मतलब 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और अब इसका जो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर और क्लोज हम देख लेते हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर और कैसे जून है, तो इट मीन्स इसमें ये फिर बड़ी गुंजाइश है। ये इधर दिसंबर क्लोजिंग के बाद ये अभी इधर फरवरी मार्च में फिर डिविडेंड दे सकता है, मगर डेफिनेटली जून क्लोजिंग मतलब अगस्त में ये दोबारा डिविडेंड देगा। तो ये एक बड़ा साइगल ग्रुप ऑफ कंपनी के वाहिद शेयर है जो कि प्रॉफिट में है। अदरवाइज साइगल ग्रुप ऑफ कंपनी दे आर फेमस एंड दे आर नोन फॉर बुक मैनिपुलेशन, और ये शेयर होल्डर्स के जेब पे डाका डालते हैं। ये शेयर होल्डर तो कोई पैसा नहीं देते, जैसे पहले हो गया इनका, जैसे वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल हो गया, कोहिनूर मिल्स लिमिटेड हो गया। तो ये मगर वाहिद कंपनी है जहां साइकिल्स वाले मैनिपुलेट नहीं करते, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते। अब मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस सुन लीजिए। आईपीओ सेक्टर में इट्स अ गुड शेयर, आई वुड लाइक यू टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, बट प्लीज याद रखिए कि मैं बाय और सेल कॉल नहीं देता, अगर क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है तो बल्ले बल्ले, अगर नुकसान हुआ तो थले थले। हमारी राय जो भी है हमारी राय है, आप अपना होमवर्क करके सोचें। और मैं इसको हल्का सा रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर योर पोर्टफोलियो, मगर इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको मार्च और अप्रैल के लिए। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताइएगा। इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए, हमारे दूसरे चैनल का ख्याल रखिए। वस्सलातु वस्सलामु खातमुन नबी।